सनसनी ऑफ इंडिया। साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो कूरियर फील्ड बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन मिलने वाली सैलरी से संतुष्ट नहीं था। लग्जरी लाइफ और महंगी गाड़ी में घूमने की चाह में शॉर्टकट रास्ते से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में अपने आप को विदेशी नागरिक बताकर वैवाहिक पोर्टल shaadi.com पर फेक प्रोफाइल बनाकर शादी के नाम पर महिला को ठगने लगा। इससे पहले कि आरोपी ठगी के पैसों से अपने सपने पूरे कर पाता, पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी की पहचान मीठापुर बदरपुर निवासी 23 वर्षीय राजीव सिंह के रूप में हुई है। साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने बताया कि मालवीय नगर निवासी एक पीड़िता ने दक्षिणी जिले के साइबर थाने में शादी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि वो तलाकशुदा है और उसने shaadi.com पर शादी के लिए अपनी प्रोफाइल बनाई थी। shaadi.com से लगभग 9 लोगों ने उससे संपर्क किया, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल से मैच करती प्रोफाइल की तलाश में थी। दिनांक 13 मार्च 2022 को मोबाइल नंबर 4473957284 से एक मैसेज व कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम अर्जुन सिंह बताया और शादी का प्रपोजल रखा। कॉल करने वाले ने बताया कि वो तलाकशुदा और UK का निवासी है, उसके रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं। प्रोफाइल मैच होने पर दोनों नियमित रूप से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत करने लगे। पीड़िता को विश्वास में लेने के बाद उस व्यक्ति ने सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर कूरियर से एक पार्सल भेजा। कुछ दिन बाद पीड़िता के पास मोबाइल नंबर 9160265549006 से एक कॉल आई। कॉल किसी लड़की ने किया था जो कि अपने आप को कूरियर कंपनी से बता रही थी। कॉल करने वाली लड़की ने पीड़िता से बोला कि UK से उसके नाम पर एक पार्सल आया है और पार्सल छोड़ने के लिए एक्साइज ड्यूटी और अन्य चार्जेस के नाम पर पैसे की मांग की। पीड़िता को व्यक्ति पर भरोसा था, इसलिए पार्सल छुड़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी और अन्य चार्जेस के नाम पर 6 बार में 4 अलग अलग बैंक खातों में लगभग 15,18,280 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होने के बाद से ही व्यक्ति का मोबाइल नंबर बंद आने लगा। पीड़िता ने shaadi.com पर बनी प्रोफाइल से भी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीड़िता को अब समझते देर नहीं लगी कि शादी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़िता ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस स्टेशन साइबर दक्षिण जिला में FIR संख्या 7/2022 धारा 419, 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने विनोद नारंग ACP महरौली की सुपरविजन व अरुण कुमार वर्मा SHO साइबर थाना दक्षिण जिला के नेतृत्व में SI संजय सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह व महिला कांस्टेबल रेणु की एक टीम का गठन किया। SI संजय सिंह ने हर पहलू पर काम करते हुए सबसे पहले आरोपी के सभी मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले। कॉल डिटेल से पता चला कि आरोपी मात्र पीड़िता को कॉल करता था और सिम भी फर्जी पते पर थी। उसके बाद SI संजय सिंह ने आरोपी ने जिस बैंक खाते में पीड़िता से पैसे मंगवाए थे, उनकी जांच की तो पता चला कि ज्यादातर पैसे जसोला अपोलो सरिता विहार में स्थित ICICI की एक ब्रांच में ट्रांसफर हुए थे। SI संजय सिंह को ब्रांच से पता चला कि बैंक खाता राजीव सिंह के नाम से पंजीकृत है, लेकिन बैंक खाते में दर्ज पते की जांच की तो पता फर्जी निकला। SI संजय सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी पीड़िता को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था उस मोबाइल के IMEI नंबर को सर्विलांस पर लगाकर जांच की तो बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी पीड़िता को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था उस नंबर को बंद करने के बाद उसी मोबाइल में नया सिम डालकर चला रहा था, जो कि मोबाइल के IMEI नंबर से पकड़ में आ गया। SI संजय सिंह ने तुरंत नए नंबर को सर्विलांस पर लगाकर आरोपी की लोकेशन को जीरो डाउन किया। आरोपी की लोकेशन बदरपुर के मीठापुर इलाके से आ रही थी। पिन प्वाइंट लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान ओम नगर डी ब्लॉक मीठापुर निवासी 23 वर्षीय राजीव सिंह पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद के रूप में हुई। आरोपी इससे पहले संजय कॉलोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में रहता था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के पास से सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन व विभिन्न बैंक के 2 ATM कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी राजीव सिंह ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इससे पहले वो एक मिठाई की दुकान में काम करता था और फिर कूरियर कंपनी में फील्ड बॉय के रूप में काम करने लगा, लेकिन हमेशा लग्जरी लाइफ और महंगी गाड़ी में घूमने के सपने देखता था और इसी वजह से कूरियर कंपनी से मिलने वाली सैलरी से संतुष्ट नहीं था।
वो कुछ चिटरों के संपर्क में आया और फिर उसने दिमाग लेकर कम समय में अधिक पैसा कमाने की योजना बनाई। आरोपी ने डिलीवरी के लिए आने वाले अन्य लोगों के बैंक डॉक्यूमेंट्स की मदद से फर्जी बैंक अकाउंट्स खोले और शादी.com पर अपनी फेक प्रोफाइल बनाकर पीड़िता को ठगी का शिकार बनाकर इन फर्जी बैंक खातों में पैसा मंगवाया और बाद में ATM मशीनों से पैसा निकालकर अपने साथियों में बांट लिया। जांच टीम आरोपी की निशानदेही पर बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।